अगर आप आसानी से वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप अपने डाइट में सुबह खाली पेट इस तरह का तीन तरह का ये जूस पीजिए, आपका वज़न बहुत ही जल्दी 7 दिनों में ये 10 किलो वज़न को कम कर देगा। तो बहुत ही हेल्दी और ये डिटॉक्स जूस होता है, तो बस देर नहीं करते हैं, चलिए बनाते हैं हेल्दी जूस। तो सबसे पहले हम सफ़ेद पेटे का जूस बनाएंगे। तो सफ़ेद पेटे के जूस के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही हेल्दी दुनिया का शक्तिशाली जूस होता है। तो इस जूस को भी आपको सुबह खाली पेट पीना है। तो पहले एक सफ़ेद पेटे को ले लेना है और आपको इसको मतलब सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह से कट कर लेना है। तो ये देखिए पेठे को मैंने कट कर लिया है और अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। बस 5 मिनट में बनने वाला ये हेल्दी जूस होता है। और ये देखिए इस तरह से हम सफ़ेद पेठे को कट करेंगे। तो देखिए मैं आधे पेठे का ही जूस बनाऊंगी, ये आराम से ये 1 गिलास जूस हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से मैं आधे पेठे का जूस बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से आपको कट कर लेना है। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, पहले आपको क्या करना है, इस तरह से पेठे को छील लेना है। सबसे पहले ये पेठे को बहुत ही अच्छे से छीलना है। तो हमारे चर्बी को बहुत ही जल्दी से ये पिघला देता है। सफ़ेद पेठा काफ़ी हेल्दी होता है। ये बीज में देख रहे हैं कि इसके बहुत छोटे छोटे बीज है। तो पहले आपको इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लेना है और बीज को हटा देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये बीज को, सारे बीज को भी हटा देना है। तो मैंने बीज को इस तरह से, ये देखिए इस तरह से जो बीज है हम उसको हटा लेंगे। ये देखिए इस तरह से बीज को हटा देंगे। आप ये जो है उसको और किसी सब्जी में यूज कर लीजिए। तो बस देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम सफ़ेद पेठे को कट कर देंगे। तो इसका आप पेठा तो बहुत खाए होंगे, लेकिन जब आप इसका जूस पियेंगे तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर ये होता है सफ़ेद पेठा। तो बस देखिए इस तरह से हम सारे जो सफ़ेद पेठे को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो अब वज़न बढ़ना आम बात हो गई है और ये वज़न जो है कई तरह की बीमारियों को घेर लेता है। अगर आप इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो आप इस तरह का जूस पीजिए। बिना एक्सरसाइज, बिना वर्कआउट किए ही आपका वज़न आसानी से घट जाएगा। तो ये देखिए ये इस तरह से इसके बीज को मैंने हटा दिया है और ये सफ़ेद पेठे को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो बहुत ही हेल्दी ये जूस होता है, आपके चर्बी को आसानी से पिघलाता है। ये दुनिया का शक्तिशाली जूस कहा जाता है। तो बस इसको हमको, ये मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया है कि कितना आसानी से बस 5 मिनट में सुबह अगर आप ये पीना चाहते हैं तो आप आसानी से इस तरह से कट कर लीजिए और मिक्सर के जार में डाल दीजिए। तो देखिए मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है और ये सफ़ेद पेठा हमारे चर्बी को बहुत ही जल्दी पिघला देता है। तो देखिए इस तरह से आपको इसको मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसका पतला पेस्ट बना लीजिए। और आप इस तरह से छन्नी रखिए, छन्नी के ऊपर कोई पतला कपड़ा फैला दीजिए और बस इसको आपको अच्छे से छान लेना है। तो बहुत ही हेल्दी डिटॉक्स जूस जो है तैयार है। आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है इसको बहुत ही आसानी से पिघलाता है। ये फैट कटर की तरह काम करता है। बहुत ही हेल्दी ये सफ़ेद पेठे का जूस होता है और फटाफट देखिए ये मिक्सर में बन जाता है बस 5 मिनट में। तो ये देखिए ये जो आप, ये जो इसका ये निकला है, आप इसे किसी भी सब्जी में यूज कर लीजिए, फेंकिए मत, ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये जूस रेडी हो चुका है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस जूस में आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है और इस जूस को आपको सुबह खाली पेट लेना है। तो बहुत ही हेल्दी पोषक तत्वों से भरपूर सफ़ेद पेठे का जूस तैयार है कि मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, बॉडी में जमा जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको बर्न करता है। तो बहुत ही हेल्दी ये जूस है। तो ये जूस है पालक का जूस। पालक में बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन को ग्लोइंग बनाता है और हमारी हड्डी को मजबूत करता है और फटाफट हमारे वेट को लॉस करता है। तो ये बहुत ही हेल्दी जूस है। तो बस देर नहीं करते हैं,
इस जूस को बनाना सीखते हैं कि इसे हम फटाफट हेल्दी जूस कैसे बना सकते हैं। तो पालक के जूस के बारे में सभी जानते हैं कि पालक काफ़ी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है, तो ये शरीर के काफ़ी मतलब बीमारियों को दूर करता है और ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा बालों की कई समस्याओं को दूर करता है। तो बहुत ही हेल्दी पोषक तत्वों से भरपूर, इसमें अच्छी मात्रा में कैरोटीन, अमीनो एसिड, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है इस पालक के जूस में। तो आप इसे नियमित, मैंने बताया कि सुबह खाली पेट पीजिए तो बहुत ही हेल्दी जूस होता है और आपके वजन को आसानी से घटाता है। तो इसमें अच्छी मात्रा में मैंने बताया प्रोटीन फाइबर होता है और कई बीमारियों से ये बचाता है, जैसे एनीमिया, खून की कमी हो तो उसकी भी शिकायतों को ये दूर करता है। तो पालक काफ़ी हेल्दी होता है। यहाँ पर देखिए मैंने पालक को ले लिया है और ये हरे पत्तेदार ये सब्जी होती है, आपको बहुत ही अच्छे से धो लेना है और बहुत ही अच्छे से 4 से 5 पानी आप धो लीजिए और इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसमें मैंने बताया कि आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है, हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है तो और हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। तो ये देखिए मैंने पालक को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। हमारे इम्यूनिटी बूस्टर को मतलब खून को बढ़ाने वाला ये पालक का जूस होता है, पोषक तत्वों से भरपूर, मिनरल और विटामिन का अच्छा ये स्रोत इसमें मिलता है। तो अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आप इस तरह का जूस अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। तो देखिए मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है, साथ में हम कुछ अदरक के टुकड़े को डाल देंगे। तो ये जूस होता है कई प्रकार के टॉक्सिन पदार्थ को बाहर निकालता है, तो हमें ज़रूर इस तरह के जूस को पीना चाहिए। तो देखिए इसे फैट कटर बनाना है, तो इसमें मैंने आधा चम्मच मेथी पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने देखिए काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च डाल दिया है और अब हम भुना हुआ जीरा डाल दें, थोड़ा सा हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे और इसको फैट कटर की तरह बनाना है। तो ये सब चीज़ें आपको डालना होगा तभी आपका 7 दिन में वजन कम होगा। और अब हम इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे और ये देखिए मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है और इसका हम अच्छा पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए ये पेस्ट बन चुका है और इसे हम छन्नी की सहायता से छान लेंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिटॉक्स जूस होता है, हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है। हमारे स्किन के लिए, त्वचा के लिए बहुत ही हेल्दी ये जूस होता है, हमारे स्किन को ग्लोइंग करता है। तो अगर आप अपनी त्वचा को जवान रखना चाहते हैं तो भी आप इस तरह के जूस को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। बहुत ही हेल्दी डिटॉक्स जूस होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो ये देखिए हेल्दी जूस एकदम रेडी हो चुका है। तो बस देखिए इस तरह से हमको जूस को निकाल लेना है और सुबह आपको इस जूस को मैंने बताया कि खाली पेट लेना है। तो ये देखिए हेल्दी जूस तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे नींबू। तो ये देखिए ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ मिलाना है। ये हमारे इम्यूनिटी बूस्टर को बढ़ाता है, आँख की रोशनी को तेज रखता है। तो बहुत ही हेल्दी ये जूस जो है पालक का रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम ग्लास में डाल देंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे जूस को बना सकते हैं। और मैंने बताया कि आपको इसे सुबह खाली पेट लेना है। तो ये देखिए ये पालक का जूस भी आपका रेडी हो चुका है। तो पालक में कैलोरी की मात्रा कम पाई जाती है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल भरपूर मात्रा में होता है, तो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वजन को कम करने में मदद करता है। तो बहुत ही हेल्दी डिटॉक्स जूस ये पालक का तैयार है और ये कई बीमारियों को से ये बचाता है, आपके स्किन को ग्लोइंग करता है। तो आप इसे ज़रूर अपने डाइट में शामिल करिए। तो ये जूस बिना मेहनत के बहुत ही आसानी से बनके रेडी हो चुका है पालक का जूस और ये काफ़ी हेल्दी होता है वजन घटाने के लिए। तो अब चलते हैं तीसरे जूस की तरफ। तो ये जूस है टमाटर और चुकंदर का जूस। तो ये टमाटर और चुकंदर भी आपको पता है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले देखिए टमाटर, मैंने यहाँ 5 टमाटर लिया है, 2 चुकंदर लिया है और
टमाटर और चुकंदर को बहुत ही अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है और इस चुकंदर को आपको इस तरह से छील लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इस तरह से छील लेंगे। और ये जो चुकंदर बीट रूट होता है हमारे पाचन तंत्र को बूस्ट करता है, तो बहुत ही हेल्दी होता है। कैलोरी की मात्रा इसमें बहुत ही कम होती है, इससे हमारा वज़न जो है आसानी से घटता है। तो ये जो जूस होता है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो बहुत तरह से ये स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है चुकंदर का जूस। तो सबसे पहले देखिए हमको चुकंदर को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो आप इसे अपने जो इसका सलाद होता है आप उसे भी अपने डाइट में शामिल करिए। बहुत ही हेल्दी ये डिटॉक्स जूस होता है, आपके वज़न को बहुत ही आसानी से कम करता है। तो जो चुकंदर होता है खून की कमी को भी, मतलब ये अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आप ज़रूर खाइए, आसानी से ये आपके खून की कमी को दूर करता है। यहाँ पे देखिए मैं टमाटर को भी कट कर लूँगी, और ये जो टमाटर है ये देसी टमाटर है तो इसलिए मैंने 5 लिया है, और अगर आपके पास बड़ा वाला टमाटर है तो वह 2 ही काफ़ी होता है। पाचन तंत्र को ये जूस जो है बहुत ही अच्छे से सुधारता है और हमारा जो वज़न है आसानी से घट जाता है। तो बहुत ही हेल्दी ये जूस होता है, इसमें मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो बस इसे हम मिक्सर के जार में डाल देंगे, और ये देखिए मिक्सर के जार में डाल दिया है। और इसे हम थोड़ा थोड़ा मिक्सर के जार में डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे। छोटा वाला मैंने मिक्सर यूज़ किया है, और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो शरीर में खून की कमी को, ये कई तरह की बीमारियों को ये दूर करता है। चुकंदर का जूस, टमाटर और चुकंदर का जूस हमारे स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और अब हम इसे छान लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे छान लिया है। चुकंदर में अच्छी मात्रा में पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम होता है, तो हमें इसे ज़रूर ये मतलब काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, तो हमें इसे ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ये देखिए मैंने ये जो बचा हुआ चुकंदर और टमाटर है इसे भी हम पीस लेंगे। तो इस जूस को भी मैंने छान लिया है, और ये देखिए इसे भी मैंने अच्छे से ग्राइंड करके इसको मैंने छान लिया है। बहुत ही हेल्दी पोषक तत्वों से भरपूर ये जूस जो है रेडी हो चुका है, और ये हमें कई बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। और इस जूस को अगर आप हल्का सा गर्म करके पिए तो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें देखिए मैंने हल्का सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च और नमक का पाउडर जो है मैंने इसमें डाल दिया है। तो आप इसको हल्का सा गुनगुना पीजिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और आपके वज़न को आसानी से घटाता है। तो हेल्दी बीट रूट जूस जो है एकदम रेडी हो चुका है, आप इसे भी ग्लास में सर्व कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे भी ग्लास में डाल दिया है। तो ये जूस आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, बॉडी में जमा एक्स्ट्रा फैट को ये हटाता है। तो बहुत ही हेल्दी डिटॉक्स जूस होता है, ये बीट रूट जूस भी रेडी हो चुका है, तो आप इसे ज़रूर अपने डाइट में शामिल करिए। चुकंदर का जूस पीने का सही समय सुबह खाली पेट है। तो आई होप कि आपको हेल्दी वेट लॉस ड्रिंक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड।